नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल UPSLR एजुटेक में स्वागत है और बने रहिए मेरे साथ। हम ये सभी शिक्षकों के लिए ये चैनल है बेसिकली बनाया है हमने, और ये एक सूचना है। ये सूचना पुरानी है लेकिन मेरे दिमाग में बात आई और मुझे भी नहीं पता था। तो ये देखिए 30 की है आवाज़, 30 अप्रैल का है आवाज़। देखिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 7 तारीख है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने नोटिस नहीं की है। अभी मैंने नोटिस की तो मैंने सोचा आपको अवगत करा देता हूँ। देखिए इसमें विषय क्या है दोस्तों, विषय है COVID-19 के संक्रमण में दृष्टिगत प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त कस्तूरबा विद्यालय एवं अन्य बोर्ड के विद्यालयों में पठन पाठन के संबंध में। ठीक है, इसको मैं मुझे लगता है मैंने भी वीडियो बनाया है, वर्क फ्रॉम होम पे कार्य करना है। ठीक है, और ये 20 मई तक की बात हुई है। 20 मई तक के विद्यालय में बंद रहेंगे, कोई छात्र छात्रा नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। शिक्षक मित्रों, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों, अनुदेशक शिक्षकों के लिए वर्क फ्रॉम होम की बात की गई थी। इसमें एक चीज़ और छुपी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं जो उस पर ध्यान देने की बात आई तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी है जो मैंने नोटिस नहीं की है। देखिए लिखा है कस्तूरबा विद्यालय एवं अन्य बोर्ड के विद्यालयों में ऑनलाइन पठन पाठन स्थगित रहेगा। तो ये चीज़ मतलब जो ऑनलाइन भी जो पढ़ाई है वो स्थगित रहेगी, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि देखिए साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ पे देखिए कि ऑनलाइन पठन पाठन स्थगित रहेगा। तो अभी तक तो मुझे लग रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, जैसे शेयर किया जा रहा है, तो वो भी बंद है दोस्तों। तो फिर अब जो अभी कुछ लोग जो है चला रहे होंगे तो उसमें भी सीधे सीधे एक चीज़ और लिख दी जाती है कि अवगत कराते हुए संबंधित में कड़ाई का से अनुपालन सुनिश्चित करें। कहने का मतलब है जो लोग अब चला रहे होंगे वो भी बंद कर दें। तो मतलब पूर्ण रूप से ऑनलाइन क्लासेस जो हैं बंद हैं दोस्तों, इस चीज़ को मैं बिल्कुल क्लियर है इस आदेश से दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये एक सूचना थी और मुझे लगता है कि ज़रूरी है हर शिक्षक को जानना। और फेसबुक पर भी काफ़ी लोग मुझसे बातें करते रहते हैं तो उनको लगता है कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, या ऐसे है वैसे है, न जाने कैसे कैसे कमेंट आते रहते हैं दोस्तों। तो मोस्टली तो मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, बट कभी कभी कर देता हूँ कि जैसे कभी कभी गलत बात बोल जाते हैं, ये तो नेचर होता है इंसान का। चलिए दोस्तों, ये बात की बात थी, बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।